अब वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि एम पॉकेट एप्लीकेशन से मैं इतना का लोन अप्रूव्ड हुआ है। अब यार जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट देखते हो ना भाई साहब, खुश हो जाते हो और आपको लगता है कि आप जिनका भी वीडियो देख रहे हो, आपका वो वीडियो देखने के बाद 100% आपको वहां से लोन मिल ही जाएगा। अब यार देखो, अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है ना कि आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना सिखाएंगे, तो हाँ सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन में अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो या फिर अगर आपने पहले कर दिया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद एम पॉकेट एप्लीकेशन की जो भी रियलिटी है ये तो पता लगेगा ही लगेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर आप बार बार अपना लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा रहे हैं, उसका भी यहाँ पे जुगाड़ में आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप लोन एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एम पॉकेट एप्लीकेशन किनको लोन प्रोवाइड करता है, जो सबसे बड़ी मैटर है कि यहाँ पे स्टूडेंट कैसे यहाँ से लोन अप्लाई करे। और सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों को 1,000 रुपए 500 रुपए ही लोन मिलता है, तो इस लिमिट को आप कैसे बढ़ाएंगे, क्या एम पॉकेट एप्लीकेशन सेफ है, यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यार देखो, अगर हम एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये एम पॉकेट एप्लीकेशन किनको लोन प्रोवाइड करता है। देखो, कहने के लिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अभी के टाइम में अगर आप दोस्तों एक स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास कॉलेज की कोई भी आईडी प्रूफ है, देन आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन मिलना आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एम पॉकेट बेसिकली उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है जो बेसिकली अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कॉलेज के आइडेंटिटी प्रूफ पे ये लोग आपको लोन बांटते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें एम पॉकेट एप्लीकेशन से, यहां पे आप 500 से लेके 30,000 रुपए तक के बीच में लोन ले सकते हैं। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 0% से लेके 4% का ये लोग महीने का चार्ज आपसे करते हैं। और अगर हम टाइमिंग पीरियड की भी बात करें, अगर लोन अगर आप वापस करने जाओ तो 61 डेज से लेके भाई साहब 120 दिन का टाइम मिलता है कि आप अपना लोन का पैसा रीपेमेंट कर दो। अब देखो, जाहिर सी बात है कि एम पॉकेट एप्लीकेशन बेसिकली उनके लिए बनाया गया है, भाई साहब जिनका आज के टाइम पहले कोई सिविल स्कोर नहीं है, और वैसे लोग अगर आप फर्स्ट टाइम अपना सिविल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं, देन आप यहां से लोन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप सैलरीड पर्सन हो और आपका सैलरी महीने का 9,000 से ज्यादा है, देन यहाँ पे ये लोग सैलरीड पर्सन को भी लोन बांट रहे हैं। अब यार वैसे लोग ना जो घर बैठे यहाँ पे कोई काम नहीं करते हैं, या फिर मान के चलते वो स्टूडेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेक्शन में जाके एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर आप जैसे ही लोन अप्लाई करते हैं ना भाई साहब, आपका लोन एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। और मैक्सिमम ऑडियंस को ये नहीं पता है कि जैसे ही आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है ना, आपके सिविल के ऊपर भाई साहब एक इंक्वायरी लग जाता है। और एक इंक्वायरी का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका सिविल जो है पहले अगर 670 होगा ना, वो सीधे 660 हो जाएगा। और साथ में दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम कैसे अपना एम पॉकेट एप्लीकेशन का लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो देखो, इसका साफ साफ सीधा सीधा फंडा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहली दफा एम पॉकेट से 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए मिल रहे ना, तो आप उसे अवेल कर लो, मतलब ले लो। और लेने के बाद जैसे मान के चलते हैं दोस्तों हमारा ईएमआई हमें 20 को पे करना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, 20 को नहीं बल्कि 19 को ही जाके वो अपना ईएमआई पे कर दो। और जैसे ही अगर आप एक बार दो बार ऐसे करते हो ना, डेफिनेटली है कि यहाँ पे आपका जो लिमिट है वो आसानी से बढ़ जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो और एक बार अगर आपका सिविल बन जाता है ना, तो देन आप जाओ फ्लिपकार्ट का पे लेटर एक्टिवेट कर लो, अमेजन का पे लेटर एक्टिवेट कर लो। और ये एक्टिवेट करने से आपके सिविल के ऊपर ना बहुत सारी लोन्स दिखाएंगे, जिससे यहाँ पे जो एम पॉकेट है ये आपका लोन का लिमिट इंक्रीज कर देगा। और यहाँ पे जिनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, मैक्सिमम लोग का क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है, सबसे पहले ये रीजन समझ लो, जब आप अपना कॉलेज डिटेल्स फिल करते हो ना, उस टाइम बेसिकली आप करते क्या हो, जो अपनी आइडेंटिटी कार्ड आप डाल रहे हो, मान के चलते हैं दोस्तों 2024 में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो देन आप यहाँ पे 2017 2018 20 ऐसे आप उस साल का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो डाल रहे हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फी अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर रिजेक्ट होता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेना सेफ है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में एम पॉकेट एप्लीकेशन के बहुत सारे यूजर्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों वो जो फर्जी वाला काम, जहाँ पे आपको लोन एप्लीकेशन आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजती हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर फोन करके बहुत सारी फर्जी ऐसे लोन कंपनियां हैं जो यहाँ पे गाली गलौज करती हैं, तो एम पॉकेट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे दोस्त का यहाँ पे करीब 2 साल से भाई साहब उन्होंने पैसा रखा है, और आज के टाइम में ना बस उसका जो कॉल है एम पॉकेट की तरफ से उसी को आता है, और उसने जो रेफरेंस में नंबर दिया है उन्हीं को आता है, मतलब फैमिली मेंबर में किसी को ये लोग कॉल नहीं करते। तो इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहो, अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अब लोन अप्लाई करने से पहले एक
बार आइए फटाफट से चार्जेस देख लेते हैं कि एम पॉकेट एप्लीकेशन की चार्जेस क्या है, ताकि जब आप लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप ये डिसाइड कर लो कि ये सस्ता है या फिर महंगा है। अब यार देखो, अभी हम आ चुके हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर, और अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन का करीब 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। और भाई साहब, अभी जो लोन का लिमिट है, बेसिकली मैं आपको 30,000 बताया था, लेकिन अभी ये बढ़ के 45,000 के आसपास हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों एक चार्जेस आपको अच्छे से समझाया गया है, जो कि आप समझ लो, मान के चलते हैं दोस्तों, अगर आप 30,000 रुपए का लोन ले रहे हो और ये आप लोन का जो पैसा है 12 महीने के बाद वापस करोगे, 30% पर एनम के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो 30,000 के लोन पे ये लोग 1,000 रुपए का जो प्रोसेसिंग फी और मैनेजमेंट फी आपसे लेते हैं, और इसके बाद आपकी जीएसटी यहाँ पे 180 रुपए लगती है। मतलब फाइनल यहाँ पे आपको 30,000 रुपए का अगर आप लोन ले रहे हो, तो 28,820 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं, और यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है वो 5,096 रुपए लगने वाला है, और यहाँ पे जो आप पैसे रिपेमेंट कर रहे हो वो 35,096 रुपए रिपेमेंट कर रहे हो एक साल के बाद। तो यहाँ पे आपको ये लोग समझाए हैं कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 1,000 से लेके 1,200 के आसपास प्रोसेसिंग फी काटा जाता है। तो ये जब आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो ये चीज को आप समझ लो। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले ये भी आप समझ लो, स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको लोन मिलेगा, जिसके पास आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बस आपको आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगी, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आईडी लगेगी, और वैसे लोग जो यहाँ पे सैलरीड पर्सन है, यहाँ पे उनको बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह देना है, लेकिन भाई साहब उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और अगर आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आपको आई बटन के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप जिस मोबाइल से हमारा वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग ना भाई साहब 500,000 रुपए के लिए बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, और यकीन मानो कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो आपको 1,000 रुपए का लोन देंगे, आपके अकाउंट में 700 आएगा और आपको पेमेंट 1,500 का करना होगा। यार मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो उसी मोबाइल के अंदर भाई साहब आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा काम करके महीने के 5-10,000-20,000 आसानी से कमा सकते हो। तो यार ये चिंदी चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्जी लोन एप्लीकेशन के अंदर जाके लोन अप्लाई कर रहे हैं और वो फंस जा रहे हैं। अब देखो इसी का जो सोल्यूशन है, मैंने अपना एक नया चैनल खोला है, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ये मनी जूम चैनल मिल जाएगा। अब इस चैनल पे बेसिकली मैं ऑडियंस इकट्ठा कर रहा हूं, और जैसे ही हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, आपको रेगुलरली वहां पे वीडियोस मिलते रहेंगे, और यहां पे आप आसानी से अपने मोबाइल के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, फिर कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।